मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के पहले स्कूल और वास्तु की स्थापना से संबंधित आपको स्थान बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर रहे ना, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि देश का पहला स्कूल और वास्तु जो कि किस राज्य के अंदर और किस जिले में किस स्थान पे स्थापित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्कूल और वास्तु जो कि राजस्थान के अंदर पुष्कर अजमेर जिले के अंदर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो बर्मा मंदिर जो कि पुष्कर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, राजस्थान राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, किस सन के अंदर राजस्थान राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। पहली पर्यटन नीति जो कि 2001 के अंदर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर मेले किसके प्रतीक है, विश्वास के, लोक संस्कृति के, आस्था के, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में मेले हैं जो कि विश्वास के भी है, लोक संस्कृति के भी, आस्था के भी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पे अजमेर में उर्स का मेला लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में दीजिएगा। तो राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पे अजमेर में उर्स का मेला लगता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सी उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, राजस्थान में मीठे साय की दरगाह कहाँ पे है, किस जिले के अंदर राजस्थान के अंदर मीठे साय की दरगाह, जो एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो ये झालावाड़ के गागनौर के अंदर है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है। राजस्थान के अंदर पत्थर का जो विमान है वो राम वैकुंठनाथ मंदिर यानी पुष्कर के अंदर है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। ये पुष्कर में कौन से मंदिर में, राम वैकुंठनाथ के मंदिर में बना हुआ है पत्थर का विमान। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेना, राजस्थान की तीज बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करिए, राजस्थान में किस स्थान पे 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजस्थान में किस स्थान पे 277 फुट की ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि पद्मपुरा में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था और एक मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था। सांवलिया जी का मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है। चूलगिरी जो कि किस धर्म से संबंधित, तो ये जैन धर्म से संबंधित, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान में कौन सी कला एवं संस्कृति मंडली ने 1991 में भारत महोत्सव के आयोजन में वहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कला एवं संस्कृति मंडली ने 1991 के अंदर एक भारत महोत्सव हुआ था जो वहाँ पे जनता को सबसे अधिक आकर्षित किया गया था। तो मुरसली में मोर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है, राजस्थान के अंदर कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? तो कोलाइत बीकानेर के अंदर, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, राजस्थान का कौन सा मेला है जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है? तो पुष्कर मेला है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में गधों का मेला लगता है, राजस्थान में किस स्थान पर गधों का मेला लगता है? तो लुणियावास के अंदर, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान में जामेश्वर का मेला किस संप्रदाय को लगता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा कि राजस्थान में जामेश्वर का जो मेला है वो किस संप्रदाय का लगता है? विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं? राजस्थान में कुंभ मेले का जो आयोजन है वो आदिवासी किस महीने में करते हैं? तो ये माघ में करते हैं, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान में कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं? राजस्थान में कि कहाँ पे किस ज़िले का जो दशहरा मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत में फेमस है, जो कि कोटा का है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तेरहताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तेरहताली नृत्य जो कि राजस्थान के रामदेव जी के मेले का बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान में पोकरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? राजस्थान के पोकरण के पास रामदेवरा का जो कौन सा मेला बढ़ता है? तो वहाँ पे रामदेव जी का मेला लगता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो पुष्कर का मेला है जो कि अजमेर ज़िले में आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान के अंदर तेजा जी का जो पशु मेला है वो पर्वतसर में लगता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं, नागौर के अंदर लगते हैं, तो ये भी नागौर के अंदर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला लगता है, राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो सीकर के अंदर लगता है, खाटू श्याम जी के मंदिर जो कि सीकर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मंदिर है और वहाँ पे जो मेला है सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो ये कोलाइत के अंदर लगता है, कोलाइत बीकानेर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अभी हम बात करेंगे वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग कोशिश करके इसका उत्तर ज़रूर बताना, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो भी आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जो है किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है, इसका उत्तर आपको बताना है। और ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने सभी ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट राय या सुझाव देना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो घंटी बनी है उसको जरूर दबा लेना। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।